हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सभी? यस। ओके, सो अगेन आई एम शेयरिंग द फाइल, इट इज रेडी नाउ। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्लियर? सो इफ यू सी दिस, शेयर हो गई सभी को? दिख रहा है ये? सर अभी नहीं दिख रहा। शेयर हो गई सभी को? अभी अभी शेयर हुआ ये? नो सर, अभी तो दिख रहा होगा। नो सर, नो सर, शेयर हो गया ये। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर हमारा निकल गया, अब हम सरफेस वेक्टर की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस निकालेंगे रिगार्डिंग एक्स, रिगार्डिंग वाई, रिगार्डिंग जेड। तो अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंटल सरफेस ले ले रहे हैं, सबकी एक सरफेस एरिया हम ले रहे हैं। सरफेस एरिया कैसे लेंगे, जैसे एक सरफेस हमारा ये हो गया ए बी सी डी, एक सरफेस हमारा हो गया ये ए ई एफ बी, और एक सरफेस हो गया ए बी सी जी। ठीक है, ये तीन सरफेस हम फ्रंट वाले ले ले रहे हैं। आप चाहें तो बैक सरफेस भी ले सकते हैं, लेकिन बैक सरफेस में फिर वो नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे ए बी सी डी की बैक सरफेस क्या होगी, ई एच जी एफ होगी, है ना। बी एफ जी सी की बैक सरफेस क्या होगी, ए ई एच डी होगा। ठीक है, तो आप बैक सरफेस भी ले सकते हैं, ऊपर वाले का बैक सरफेस नीचे वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट सरफेसेस की एरिया निकाल के आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो बैक का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम जो भी सरफेस लेंगे, जैसे ये देखिए आपको तीनों की सरफेस प्लेन की हमने अलग अलग व्यूज दे दिए हैं, ये दिख रहा होगा सबको, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सरफेसेस। ये ए बी सी डी सरफेस हो गया, ये बी एफ सी जी सरफेस हो गया, और ये एच डी सी जी सरफेस हो गया। ठीक है, जो भी आप सरफेस लेंगे, जैसे हम एक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वाई के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जेड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो भी आप सरफेस लेंगे उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम x के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जो भी हमारा सरफेस होगा वो y और z प्लेन से बनेगा। ठीक है, क्योंकि x वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे yz प्लेन अगर आप ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो x का होगा, दैट इज ax होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स जेड प्लेन की बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, दैट इज ए वाई वेक्टर होगा। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर होगा वो ए जेड होगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लीजिए इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ को क्या करना है, डीवाई को डी जेड से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डीवाई इंटू डी जेड मल्टीप्लाई विद दिस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, ए एक्स है। तो आपको तीनों सरफेस एरिया मिल जाएंगे। देखिए डीवाई डी जेड इंटू ए एक्स कैप, डीएक्स डी जेड इंटू ए वाई कैप, डीएक्स डी वाई इंटू ए जेड कैप, तीनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सरफेस एरिया मिल जाएगा, दैट इज डीएस फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो डिफरेंशियल चेंज इन फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम अगर आपको निकालना है और डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम सिंपली आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, ये तो क्यूब का वॉल्यूम होता है। तो स्मॉल चेंज इन एक्स डायरेक्शन, स्मॉल चेंज इन वाई डायरेक्शन, स्मॉल चेंज इन जेड डायरेक्शन, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी हो जाएगा, डीएक्स डीवाई इनटू डीजेड, सबको ये वॉल्यूम। इज इट क्लियर? किसकी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हम लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, दे आर डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं, याद आ रहा होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, याद आ रहा है? यस सर। ये देखिए, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करता हूँ, ये देखिए, जस्ट सी एक मिनट, एक मिनट, पेज किधर गया, जस्ट वेट। जैसे मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो देखिए इसमें जैसे हमने ले लिया कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये देखिए एक हमारा हो गया ये
एक पॉइंट हमारा हो गया इधर का, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या जेड एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट की मैं बात क्या कर रहा हूँ, यहां मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, एक पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट को हमने यहां से मिला दिया, ठीक है, इसका हमने प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ किया, देखिए इसी से आपको समझ में आ जाएगा, अभी यही चीज यहाँ बगल में भी ड्रॉ की गई, ठीक है, तो मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को हम नीचे से भी मिला देंगे, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को हम यहां से भी मिला लेंगे, ठीक है, इज इट क्लियर। ये आपका हो गया रो, रो फाइव जेड कोऑर्डिनेट होते हैं ना सिलेंड्रिकल में, हेलो, यस सर, ये फाई हो गया, फाई को एजीमूथ एंगल भी बोलते हैं हम लोग, ये रो हो गया जिसको रेडियल एक्सिस बोलते हैं, और जेड आपका सिंपली जेड एक्सिस ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए रो रो, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी लेंथ लेंथ वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका रो हो गया, ठीक है, स्फेरिकल में आर हो गया, ठीक है, और सिंपली एक्स वाई जेड हो गए, ये तीनों लेंथ, ये सब लेंथ वेक्टर कहलाते हैं। तो लेंथ वेक्टर में जो भी इंक्रीमेंटल चेंजेस हम लोग निकालते हैं, वो सिंपली एक्स की डायरेक्शन में डी एक्स होता है, वाई की डायरेक्शन में डी वाई होता है, जेड की डायरेक्शन में डी जेड होता है। ऐसे लेंथ वेक्टर अगर हम आर के लिए निकालेंगे तो डी आर हो जाएगा। लेंथ वेक्टर्स का जो भी इंक्रीमेंटल चेंज आता है वो सिंपली डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ आता है, दैट इज सिंपली डी एस डी वाई डी जेड डी आर डी रो, ये सब लेंथ वेक्टर हैं, ठीक है। तो रो की डायरेक्शन में जो भी इंक्रीमेंटल चेंज आएगा वो क्या आएगा, डी रो आएगा, क्या आएगा, डी रो। जैसे मान लीजिए एक हम पॉइंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, एक पॉइंट हमने पी यहाँ पे लिया है, एक पॉइंट हमने यहाँ क्यू लिया हुआ है, पी से क्यू तक में हम लेंथ वेक्टर चेंज निकाल रहे हैं। तो पी पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट है रो फाइव जेड है, और क्यू पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है क्या है, रो प्लस डी रो, फाइव प्लस डी फाइव, और जेड प्लस डी जेड है। तो अगर हम इसके लिए रो के लिए लेंथ वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो प्लस डी रो माइनस रो, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, डी रो बचेगा। तो लेंथ वेक्टर जो रो डायरेक्शन में होगा वो सिंपली डी रो होगा, क्योंकि वो लेंथ वेक्टर है। लेंथ फाई की अगर हम बात करेंगे, फाई हमारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई के लिए आपको आर्क निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आर्क कैसे निकालेंगे, जैसे एक हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ किया, यहाँ पे डी फाई, थोड़ा सा इसको इंक्रीमेंट किया इसी डायरेक्शन में, तो दिस इज व्हाट डी करना पड़ेगा, ये आपका रो है, तो ये भी रो ही होगा, हाँ ये भी रो हो जाएगा, क्या रो मल्टीप्लाइड विद डी फाई, ठीक है, या रो मल्टीप्लाइड विद डी फाई, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो ये आर्क हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल चेंज, तो रो इंटू डी फाई आपका हो जाएगा फाई में चेंज, क्या हो जाएगा, फाई डायरेक्शन में चेंज, तो दिस इज रो इंटू डी फाई हो गया, ठीक है। जेड के लिए बात करेंगे तो जेड भी आपका क्या है, डी जेड माइनस जेड करेंगे तो सिंपली डी जेड बचेगा, लेंथ वेक्टर जेड डायरेक्शन में भी आपका डी जेड ही रहेगा, इज इट क्लियर। तो एक तो ये डी रो और डी जेड, ठीक है, लेकिन जो फाई है, जो एंगल वाला टर्म है, उसमें आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें आपको आर्क निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही तीनों आपके पॉइंट आ जाएंगे, डी रो, रो डी फाई और डी जेड, ये हमारे लेंथ वेक्टर हैं अलोंग रो डायरेक्शन, अलोंग फाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो तीनों के यूनिट वेक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को एड कर दिया, तो हमें टोटल लेंथ वेक्टर मिल गया, दैट इज डी एल, इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो लेंथ वेक्टर आ गया, सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हेलो, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस के लिए अगेन हम लोग तीन सरफेस लेंगे, कौन कौन सी सरफेस, एक सरफेस होगी जो ये रो और फाई से बनेगी, एक होगी जो फाई और जेड की होगी, और एक होगी जो आपकी रो और जेड की होगी, ठीक है, है ना। तो जो भी सरफेस लेंगे, जैसे मान लिया रो और फाई की सरफेस ले रहे हैं, तो उसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो जेड वेक्टर होगा, जो कि दोनों सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, किससे, रो और फाई सरफेस से, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए फाई और जेड सरफेस लेते हैं तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, रो वेक्टर होगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे रो अगर आप फाई और जेड लेते हैं तो रो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, नीचे हम लोगों ने इसका भी डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा सबको, ये डायग्राम दिख रहा है सभी को, ये देखिए, ये रो डी फाई और डी जेड प्लेन हो गया,
ठीक है, रो डीफाई क्या है, आर्क वाला हो गया, जो आर्क है इसलिए यहाँ कर्व आ रहा है, क्योंकि हम ये आर्क वाले के लिए निकाले थे ना फाई के लिए, तो रो डीफाई इज द आर्क जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये रो डीफाई हो गया, ये जी जेड हो गया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे अलोंग विथ रो कैप, तो आपको किस डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर मिल जाएगा, रो डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? Yes, समझ में आ रहा है? Yes, ऐसे ही अगर फाई के लिए देखें अप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ फाई कैप, यूनिट वेक्टर से भी तो देखेंगे, यूनिट वेक्टर जैसे सरफेस का मतलब क्या होता है, जो सरफेस जिस तरफ जा रहा हो, जैसे आपको मैं, जैसे ये आपको सरफेस दिख रहा होगा, ये फ्रंट सरफेस है, इसका डायरेक्शन फ्रंट की तरफ आएगा, इसका विजुअलाइजेशन किधर आएगा, फ्रंट की तरफ आएगा, तो फ्रंट की तरफ विजुअलाइजेशन आएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर कहां लाई करेगा, फ्रंट की तरफ, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल सेंटर से। जैसे ये है तो इसका इधर की तरफ लाई करेगा, ये है तो इसका इधर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना आपको ध्यान रखिएगा, तो डी रो रो डी फाई मल्टीप्लाइड विद जेड कैप, तो ये आपको दे देगा जेड डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर। तो ये देख सकते हैं आप, डीएस रो डीएस फाई और डीएस जेड तीनों सरफेस वेक्टर आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए डीएस रो डीएस फाई और डीएस जेड तीनों सरफेस वेक्टर दिख रहे हैं, बताइए। वही चीज है जो मैंने अभी बताई है आपको, देखिए डीएस रो क्या हो गया, ये हो गया डीएस रो, दैट इज व्हाट, रो डी फाई इंटू डी जेड मल्टीप्लाइड विद रो कैप, देखिए रो डी फाई इंटू डी जेड मल्टीप्लाइड विद रो कैप, ठीक है। डीएस फाई की बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, डीएस जेड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम, डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन से तीनों, डीएस रो वाला कंपोनेंट जो रो का कंपोनेंट है दैट इज रो डी फाई डी जेड, डीएस फाइव डीएस जेड में जेड का कंपोनेंट दैट इज रो डी फाई डी जेड। इंटीग्रल क्यूब का सिंपली आपको पता है, तीनों के लेंथ वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए बी सी, तीनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पे किया गया है, दिख रहा है सभी को? ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी निकालेंगे, डिफरेंशियल लेंथ एरिया वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये भी बहुत सिंपल है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का भी हमने आपको बताया था, अगर ये आपको याद आ रहा हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने अगेन तीन पॉइंट लिए थे, कौन से, आर थीटा और फाई, ठीक है क्लियर। तो आर थीटा फाई लिया था हमने, तो हमने आपको बताया था, फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से हमारे कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट थे, ठीक है, ये हमारा था जेट सिंपली, नहीं सॉरी आर थीटा फाई, ये हमारा था, एक मिनट, हाँ इसको जेड एक्सिस ही रहने दीजिए, ये हमारा वाई है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। एक हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे इसको हमने इससे मीट कराया था, ये हमने एक पी पॉइंट लिया था, ये नीचे की तरफ ने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था, इस प्रोजेक्शन को हमने यहां से मीट किया था, ठीक है। ये हमने आपका फाई एंगल है, ये तो सेम रहे, हम लोग एज्यूमुथ एंगल भी बोलते हैं, ये हमारा थीटा एंगल था, ये हमारा आर था, इसको रेडियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये थीटा कंपोनेंट की वजह से जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बन रहा था वो आर कॉस थीटा बन रहा था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन हम नीचे यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ये फाई की तरफ, ठीक है, तो इस आर इसका जो प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, यहाँ आर साइन थीटा बनेगा, तो दिस डायरेक्शन इज आर साइन थीटा, ये आपका आर साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये लाइन आपकी आर साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल लेंथ क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर माइनस आर, तो डी आर आ जाएगा, ठीक है। फाई की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल लेंथ कैसे निकालेंगे, अच्छा थीटा की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल लेंथ क्या होगा बताइए, थीटा की डायरेक्शन में, ये देखिए थीटा की डायरेक्शन में हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल हमारा हो गया डी थीटा, इंक्रीमेंटल चेंज निकालना ना, ये हो गया डी थीटा, ये वाला आर्क आप निकाल सकते हैं, ये आर्क आप कैसे निकालेंगे, अगेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क, ये आर्क हो गया अपॉन रेडियस, रेडियस इज आर, ये आर रेडियस है, ठीक है, तो आर्क इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा आ जाएगा, तो थीटा के डायरेक्शन में जो हमारा इंक्रीमेंटल चेंज आएगा लेंथ का वो आर डी थीटा हो जाएगा, देखिए आर डी थीटा है, ठीक है, ठीक है ना।
ऐसे ही फाई के डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, मैं आपको इस डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये बहुत थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये फाई है, इसको हमने इंक्रीमेंटल चेंज किया यहाँ पे डी फाई, तो ये डी फाई अगर आपको निकालना है, वो सॉरी इंक्रीमेंटल चेंज यहाँ पे ये निकालना है, तो आपको ये वाला आर्क निकालना पड़ेगा। ये आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, आर्क इज अगेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी फाई इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या रखेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है बेटा, आर साइन थीटा। ये वाली लाइन क्या है, आर साइन थीटा। तो आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई अपॉन आर साइन थीटा। तो आर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ये देखिए आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, ये समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है। तो फाई डायरेक्शन में ये आ गया आपका आर साइन थीटा डी फाई, थीटा के डायरेक्शन में आ गया आर डी थीटा, और आर के डायरेक्शन में आ गया डी कर देंगे तो आपको कंप्लीट चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, दैट इज डीएल। और तीनों कोई डाउट इसमें? सिमिलरली आप अगर सरफेस एरिया, लास्ट टाइम करते आए थे, सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, तीनों के रेस्पेक्टिव सरफेस ले लेनी है। सरफेस कैसे लेंगे ये देखिए, ये ठीक है। अगर आप डी फाई और डी थीटा वाली, फाई और थीटा वाली सरफेस लेंगे तो यूनिट वेक्टर आर हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। आर और थीटा की सरफेस लेते हैं तो फाई हो जाएगा, सॉरी आर और फाई की सरफेस लेते हैं तो थीटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। डी आर डी थीटा वाली सरफेस लेते हैं तो फाई वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करिए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज आर कैप। तो आपको इसकी सरफेस मिल जाएगी आर डायरेक्शन में, फाई के लिए थीटा के लिए निकालेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, थीटा कैप से मल्टीप्लाई करिए तो थीटा डायरेक्शन में सरफेस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप फाई के लिए निकालते हैं तो डी आर को आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करिए, फाई कैप से मल्टीप्लाई करिए तो इसके डायरेक्शन में सरफेस मिल जाएगी। किस डायरेक्शन, फाई डायरेक्शन। तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सरफेस एरिया मिल जाएगा। देखिए अगर आपको ये लेंथ कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेंथ पॉइंट, तो आपको सरफेस वॉल्यूम निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आर डायरेक्शन में निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ आर साइन थीटा डी फाई मल्टीप्लाइड विथ आर कैप, तो वो आर डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए निकालना है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सरफेस निकालने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ थीटा कैप तो आपको हो जाएगा थीटा डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है ये? यस सर, ठीक है। ऐसे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, वॉल्यूम में आपको सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम में चेंज में आ जाएगा डीवी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आपको एक बार बता भी चुके हैं, आज फिर से मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आता है इंक्रीमेंटल चेंज निकालिए क्या होता है, लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम इन एनी कोऑर्डिनेट भी पूछ लेगा, किसी भी कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल में, सिलिंड्रिकल में या कार्टेशियन में, तो आपको याद रखना है। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे, सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे और लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे लाइन इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो लाइन इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सब आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, काफी हद तक वहां पे भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कौन बताएगा? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, ठीक है, उस पूरी लेंथ को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट द कंप्लीट लेंथ ऑफ दैट लाइन, बताइए। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको डिफरेंशियल लेंथ से। हाँ, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर पूरे कंप्लीट लेंथ निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले आपको एक स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी, एक स्मॉल, जैसे मान लीजिए कंप्लीट लेंथ की स्ट्रिप है, आपको एक छोटी सी लेंथ उसमें लेनी पड़ेगी, उस छोटी सी लेंथ के लिए पहले आप कैलकुलेट करेंगे और फिर होल रेंज के लिए निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे, यही तो करते हैं, बताइए। yes, तो बेसिकली जो लाइन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व्स द लाइन इंटीग्रल, क्लियर। बेसिकली जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ये हमारी देखिए
ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसमें हमने एक लाइन लिया हुआ है, लाइन स्ट्रिप बी टू सी लिया हुआ है, ये देखिए बी से सी एक हमारी लाइन है, कर्व लाइन। इस लाइन को हमको कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ कितनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट पे हमने छोटा यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, और एक स्मॉल लेंथ को हमने कैलकुलेट किया, वो स्मॉल लेंथ क्या है, डीएल है, क्या है, डीएल, डिफरेंशियल लेंथ जिसको हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल लेंथ है जिसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे इस लाइन पे, ठीक है। तो एक हमने टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये देखिए टेंजेंशियल लाइन है, दैट इज पी टू क्यू, एक टेंजेंशियल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया ऑफ स्मॉल लेंथ डीएल, और इस P पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट जहां ये टच कर रहा है, इससे हमने एक वेक्टर पॉइंट A निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये एक वेक्टर पॉइंट है A, ठीक है, जो कि थीटा एंगल बनाएगा इस टेंजेंशियल लाइन से, ये देखिए थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम A वेक्टर का DL के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ये A वेक्टर जो है इस पॉइंट पे, कहीं हमने बाहर A वेक्टर लिया हुआ है, उसको हमने इस P पॉइंट से मीट कराया है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है इस टेंजेंशियल लाइन से, ठीक है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें ए डॉट डीएल, तो क्या आएगा, मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा आएगा, बताइए, मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो अगर हम मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा कर लें, ये देखिए ए डॉट डीएल इज इक्वल टू ए डीएल कॉस थीटा, मतलब मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये अगर हमें पता चल गया, ये किसके लिए पता चल गया, एक स्मॉल लेंथ के लिए पता चल गया, क्या पता चल गया, एक स्मॉल लेंथ के लिए हमने डीएल लेंथ के लिए हमने यहां से इस पोर्शन में अगर हमने इसके इसका जो है क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकाल लिया या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, तो कंप्लीट लेंथ के लिए निकालने में क्या करना है आपको, इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालने के लिए आपको केवल इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो अब आपको अगर बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ, हेलो अभी अभी आ रही आवाज आ रही है सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको जब ये ए डॉट डीएल निकाल लिया आपने यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, एक वेक्टर ए लिया था हमने इस डायरेक्शन में, इस पी पॉइंट से लाइन को टच करते हुए जा रहा था ये, ठीक है, और ये इस पर टेंजेंशियल लाइन है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है, इस वेक्टर ए का इस टेंजेंशियल लाइन से बीच में एंगल थीटा है, ये हमारा डीएल वेक्टर है, डिफरेंशियल लेंथ जो हमने स्मॉल लेंथ लिया उस लाइन पे बी टू सी पे, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट डीएल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा, ठीक है। तो वो आपको दे देगा एक स्मॉल लेंथ में चेंज के लिए, एक स्मॉल लेंथ चेंज आपका वहां पे निकल आएगा ए डॉट डीएल कॉस थीटा से, क्लियर। क्योंकि ये लाइन कर्व्ड है इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन होती तो ये प्रॉब्लम ना होती, कर्व्ड लाइन है इसलिए हमको ये एक वेक्टर यहाँ लेना पड़ रहा है, उस वेक्टर से हम यहाँ पे डीएल लेंथ की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कंप्लीट के लिए निकालना है, तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, एक सिंगल इंटीग्रेशन इस ए डॉट डीएल कॉस ए डीएल कॉस थीटा को फ्रॉम बी टू सी, जहां तक भी ये लेंथ जा रही है, ठीक है। तो हमको कंप्लीट लेंथ का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, देखिए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग द कर्व बीसी, इस वेक्टर ए को हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे अलोंग द कर्व बीसी, तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए फ्रॉम बी टू सी, लिमिट क्या लगाएंगे, बी टू सी, तो देखिए बी टू सी लिमिट लगा दिया ए डीएल कॉस थीटा, इज इट क्लियर, ठीक है। लाइन इंटीग्रल जो होता है एक किसी भी वेक्टर का अलोंग एनी कर्व एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है, सभी को पता है, तो ये स्केलर ही टर्म है, ठीक है, इसी वजह से ये लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ए अलोंग एनी कर्व इज स्केलर, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो सरफेस इंटीग्रल भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी सरफेस है जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो आप कंप्लीट सरफेस का कैसे निकालेंगे, पहले आपको एक स्मॉल सरफेस लेना पड़ेगा उसके अंदर, तो एक स्मॉल सरफेस हमने ले लिया DS, ठीक है, जिसका जिसमें एक पॉइंट हमने P ले लिया, इस P पॉइंट से अगेन जैसे लाइन इंटीग्रल में हमने एक वेक्टर लिया था ऐसे ही हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे A वेक्टर एट दिस पॉइंट, और इसी P पॉइंट पे जो DS सरफेस है स्मॉल सरफेस,
उसका जो वेक्टर होगा वो डीएस वेक्टर होगा। अगर उसकी भी डायरेक्शन हम देखें, जो डीएस स्मॉल सरफेस लिए हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी छोटी सी सरफेस के। तो मान लीजिए वो ऊपर की तरफ है, ये दिस इज डीएस वेक्टर। ठीक है, 3D डायग्राम है तो आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये डीएस हो गया, डीएस वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, दोनों में अंतर है। वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डीएस वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप होगा। तो दिस इज द एन कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस स्मॉल चेंज इन सरफेस वेक्टर, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में लाई करेगा। अब ए और डीएस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर हम ए डॉट डीएस निकालते हैं, ए डॉट डीएस वेक्टर, तो क्या आएगा बताइए? हेलो, ए डॉट डीएस क्या आएगा बेटा, कौन बताएगा? ए डॉट डीएस क्या आएगा? मॉड ए मॉड डीएस कॉस थीटा आएगा। अच्छा, इस डीएस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? इस डीएस वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है। तो सरफेस वेक्टर के रिगार्डिंग अगर हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, दैट इज दिस, तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ सरफेस, दैट इज डीएस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस, दैट इज डीएस। ठीक है, तो अगर हम इस डीएस वेक्टर को, ये जो डीएस वेक्टर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन वेक्टर डॉट डीएस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इनटू डीएस, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, बताइए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे, अब देखिए, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और सरफेस इंटीग्रल है तो दो इंटीग्रेशन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लाइन इंटीग्रल होगा तो एक इंटीग्रेशन आएगा, सरफेस इंटीग्रल है तो हमने यहाँ एस लिख दिया, लाइन में हमारा एल लिखा रहता है, सिंगल इंटीग्रेशन और नीचे एल लिखा रहता है। सरफेस इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रेशन और ऐसा आ गया, क्योंकि सरफेस दो प्लेन से मिलकर बनती है, ठीक है, इसलिए दो इंटीग्रेशन आ रहा है। लाइन आपका सिंगल लाइन होती है तो एक ही इंटीग्रेशन आता है, एक ही एक्सिस पर रहती है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल में तीन प्लेन्स, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाती है, इसलिए, ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? Yes, तो ये हमने सरफेस इंटीग्रल लगा दिया और यहां लिख दिया ए डॉट डीएस, ए डॉट डीएस, ठीक है। तो ए डॉट डीएस क्या आ जाएगी, यहां से आप देख लीजिए, यहां लिखा भी हुआ है, ये देखिए, नीचे देख लीजिए, नीचे थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ए डॉट डीएस इज इक्वल टू, हमने डीएस की वैल्यू रख दी एन डॉट डीएस, जो अभी हमने ऊपर बताया था, ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एक वेक्टर ए है, एक आपका एन डॉट डीएस है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड एन डॉट डी मॉड एन डीएस कॉस थीटा, यही तो होगा। और मॉड एन डीएस करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है, तो मॉड एन तो वन हो जाएगा, केवल डीएस बचेगा, इज इट क्लियर? ए डीएस कॉस थीटा आ जाएगा, तो देखिए ए डीएस कॉस थीटा आ गया। तो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। वॉल्यूम इंटीग्रल में कुछ नहीं है, वॉल्यूम इंटीग्रल और भी सिंपल है, तीन इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ठीक है, आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो तीन इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी आप एक्स वाई जेड तीनों के लिए निकाल सकते हैं। हेलो, ये देखिए, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, डीएक्स डी वाई डी जेड। तो वॉल्यूम इंटीग्रल अगर आप निकाल रहे हैं तो तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, एजेड कैप, डीएक्स डी वाई बात कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल ये हो गया। अब आप देखिए, इन तीनों से न्यूमेरिकल है, वो लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अभी आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम और हो रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल आपका वैसे लेक्चर नहीं है मेरा, लेकिन आई विल टेक अ सरप्राइज टेस्ट टुमारो, क्लियर? सो आपका लंच टाइम क्या होता है? व्हाट इज योर फ्री टाइम? देखना पड़ेगा सर, जो लंच टाइम है उसी में हम आपका लेंगे, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स का होता है, तो उसी टाइम पे होगा, ठीक है सर, 12:55 से 1:35। हाँ, तो उसी ड्यूरेशन में बेटा हम आपका लेंगे, ठीक है,
सर एमसीक्यू होगा या फिर मतलब सर रिटर्न देना होगा? अभी तो एमसीक्यू ही है, देखते हैं ठीक है। बाकी जो भी कुछ होगा अगर वो लिखने वाला होगा तो भी एक वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक 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 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स के, और अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो भी है व्हाटएवर सजेबिलिटी इज देयर इसी में से आएगा जो हमने पढ़ाया है ठीक है। तो अभी हम आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग को याद रखना है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा उसी ड्यूरेशन में होगा जो आपका फ्री ड्यूरेशन है ठीक है, क्लियर। तो कल ही होना है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा कल आपका लेक्चर नहीं, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को। अटेंडेंस बोल दीजिए सभी लोग फटाफट, एक रोल नंबर 130, एक मिनट। एक मिनट जस्ट वेट, रोल नंबर 122 प्रेजेंट सर, 123 सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, वीडियो ऑन कर लीजिए मैं देख लेता हूँ, जिसकी इसकी वीडियो ऑन हो गई मुझे पता चल जाएगा। सब लोग ऑन कर लीजिए वीडियो अपनी, टर्न ऑन योर वीडियो। सभी लोग ऑन कर लीजिए बेटा, और भी जितने बच्चे हैं सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। 122, 123, 124, 127 सभी लोग ऑन कर लीजिए। किसी को आज जो पढ़ाया किसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर, समझ में आ गया सभी को आज? सर ये हम शेयर भी कर देंगे आपको, और जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग को वीडियोज आप लोग को मिल रही होंगी, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ सारे वीडियोज के, क्लास के गूगल क्लासरूम पे आप लोग विजिट कर रहे हैं कि नहीं? सर अटेंडेंस हो गई बेटा, सबकी अटेंडेंस हो गई है, मैंने अटेंडेंस ले लिया है ठीक है। सर गूगल क्लासरूम का कोड भेज दीजिए। नहीं बेटा हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, आप अपने ग्रुप में विजिट करिए, उसमें मैंने भेजा हुआ है ठीक है। अपने ग्रुप को सर्च करिए, ग्रुप में हमने भेजा हुआ है ठीक है। ये आपने किसी फ्रेंड से ले लीजिए, हमने सभी के सभी लोग ऐड हैं, आप किसी फ्रेंड से बात करना ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।